हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता किचन रेसिपीज। और आज हम बनाएंगे सांभर। वैसे तो ये साउथ इंडियन डिश है, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्थ में भी खाई जाती है और ये काफ़ी पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और दाल होती है। और सबसे मेन बात है कि जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते, उन बच्चों के लिए सब्जी खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये, क्योंकि इसमें डालने के बाद सब्जियों को पता नहीं लगता कि घिया और हमारी जो भी वेजिटेबल डालते हैं वो कहाँ है। सब सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाती है और बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कौन कौन सी वेजिटेबल हमने इसमें डाली है। तो चलिए, हम सांभर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी हम उनको देख लेते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे ली है गोभी, ये फूल गोभी है, बीन्स, बैंगन, घिया, गाजर, हरी मटर, टमाटर और प्याज, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। आप अपने हिसाब से साइज में जो आपको पसंद है, छोटा या बड़ा, कैसा भी काट सकते हैं। सब्जी हमारी ये है, आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं इसमें जो आपको पसंद हो, जैसे पम्पकिन, पालक वगैरह जो भी है, आप जो जो आपको अच्छी लगती है वो वेजिटेबल आप इसमें यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यही वेजिटेबल डालनी है। और एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे ली है अरहर की दाल, जिसे मैंने आधे घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च, जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं, ये तीखी नहीं होती लेकिन इससे कलर अच्छा आएगा हमारे सांभर का। और यहाँ पे लिया है मैंने सांभर मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, दो हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, ये ताज़ा कड़ी पत्ते हैं, और 2 ली है मैंने सूखी लाल मिर्च, और हींग है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ली है राई, आप चाहे तो इसमें सरसों भी डाल सकते हो तड़के के लिए, कुछ धनिया की पत्ती ली है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और ये हमारा इमली का पानी, ये हम सांभर में डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सांभर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर और सारी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से धो रखा है पहले से ही, इनको मैं सबको कुकर में डाल देती हूँ। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी अरहर की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी। और मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, अदरक और हरी मिर्च इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब के अनुसार पानी डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल दें पानी को उबाल के थोड़ा सा गर्म करके। और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और 4 से 5 विसल आने तक हम इसको उबाल लेंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ और 5 विसल आने तक मैं इसको बॉईल करूंगी। हमारी 4 विसल आ चुकी है, अब 5वीं विसल आने वाली है, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी 5वीं विसल भी आ चुकी है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और कुकर का प्रेशर खत्म होने तक हम वेट करते हैं। हमारा कुकर का प्रेशर है वो खत्म हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो सब्जी है अच्छे से गल गई है सारी सब्जियां, अब हम इसको मैश कर लेते हैं। जैसे हमने अपनी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, अगर आपको लग रहा है आपका सांभर थोड़ा ठीक है या गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पानी आप गर्म करके डालें,
जिससे इसका टेस्ट वैसा ही रहेगा। ठंडा पानी डालने से इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए गर्म पानी डालें। और ये देखिए हमारा सांभर है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने इमली को भिगो के रखा था, इसको डाल देते हैं। छान लिया है मैंने इसको छलनी से। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली थी उसको डाल देती हूँ मैं 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सांभर मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम अपने सांभर के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तीन से चार टेबलस्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ राई। दो लाल मिर्च तो मैंने ली थी सूखी, और कड़ी पत्ते। इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब हम इस तड़के को कुकर में डाल के इसको जल्दी से ढक देंगे ताकि इसके छिट्टे ना लगे। और थोड़ा इसे इसमें डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। और ये हमारा सांभर बन के तैयार है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने सांभर को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। और अब थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म सांभर बन के तैयार है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये पौष्टिक भी होता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।